मैं आपके बीच में एक एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी निष्कासित असिस्टेंट प्रोफेसर आपसे अपनी बात कहने आया हूँ। ये इस समय का माहौल है, इस देश का माहौल है। जिन्हें इस समय जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे, और जिन्हें जो नहीं करना चाहिए वही वो काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में हम यहाँ क्यों आए? हम असल में इस देश की सबसे जरूरी सवाल, शिक्षा के सवाल पर पूरे देश का ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं, और वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि इस समय बहुत सारी बर्बादियां तो दिख रही हैं, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी बर्बादी जो शैक्षणिक संस्थानों की हो रही है वो शायद इस देश के बाकी लोगों को नहीं दिख रही है, लेकिन हमें दिख रही है, और हम उसको उसकी बर्बादी के शिकार भी हो रहे हैं। और इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इसके आखिर में फिर बात भी करेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या होगा। फिलहाल मैं विश्वविद्यालय से निष्कासित किया गया, और इसके पीछे क्या वजह है वो लिखित नहीं है, और जिन्हें हमारी जगह पर रखा गया उनकी मेरिट पब्लिक डोमेन में नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम ये जानना चाहते हैं कि बतौर नागरिक या देश के बाकी लोग भी अगर इस बात से सहमत होंगे तो उन्हें भी ये जानने का हक है कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया ये कैसी है कि 4-6-10 लोग बैठ करके आखिर में निर्णय ले लेते हैं कि हम किसको नौकरी पर रख रहे हैं। और ये कोई सामान्य नौकरी नहीं, ये एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की नौकरी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की नौकरी है, और जो इस कदर भ्रष्टाचार में लिप्त है कि वो किसी को भी चुन चुन कर नौकरी से निकाल रहे, और अपने विचारधारा के लोगों को, अपने पार्टी के कैडर के लोगों को, और जिनके मेरिट बेहद खराब है उनको अपने अनुशंसाओं पर नौकरी दे रहे हैं। और अगर ऐसा होता रहा, जिसके शिकार मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय के तकरीबन 1000 प्रोफेसर हुए हैं जो कोई 4 साल पढ़ाया तो कोई 14 साल पढ़ाया, कोई 20 साल पढ़ाया, और 24 साल भी पढ़ाने वाले लोग नौकरी से निकाल दिए गए। तो जो नियम कायदा बना है उसके शिकार तो वो लोग भी हुए जो कुछ नहीं करते थे, जो जिनकी मेरिट नहीं चेक की जाती। दिल्ली विश्वविद्यालय और देश के तमाम विश्वविद्यालयों में 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट के इंटरव्यू होते जिनमें कायदे से 2 सवाल भी नहीं पूछे जा सकते, लेकिन उस पर आपकी पूरी किस्मत का फैसला किया जाएगा। एकेडमिक मेरिट का कोई मतलब नहीं। बिहार सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है तो 100 नंबर में से 85 नंबर एकेडमिक होते हैं जो लास्ट मेरिट में जुड़ते हैं, 15 नंबर का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने इंटरव्यू देने कौन आया इसकी कोई पहचान सार्वजनिक नहीं होती, और हमारे यहाँ चुन के रखा जाता है कि आजकल सुन रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पर्चियाँ चल रही, अगर एक रंग की पर्ची है तो इसका मतलब ये कि ये दूसरे रास्ते आए हैं, दूसरे रंग की पर्ची है तो दूसरे रास्ते आए। इसलिए हमने जो प्रेस विज्ञप्ति में मांग बनाई है, पहली ही बात है कि देश के विश्वविद्यालयों पर एक सरकारी विचारधारा का हमला हो रहा है, और जो लोग उस विचारधारा से असहमत हैं उनको विश्वविद्यालयों से बेदखल किया जा रहा है। एक तरफ वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो हमारे जैसे हजारों लोगों को बेदखल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जब वो अनैतिक होते हैं तो हमारी साथी डॉक्टर ऋतु की तरह झूठे आरोप लगाकर, गलत तरह के दस्तावेज लगाकर उन्हें बेदखल कर देते हैं। विश्वविद्यालय आज के तारीख में यहां पहुंचे हैं, अमृतकाल चल रहा है और विश्वविद्यालयों का ये हाल है। हम दूसरी मांग अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस विज्ञप्ति में रखना चाह रहे हैं कि जो नियुक्ति प्रक्रिया है बेहद घटिया है, भ्रष्टाचारी है और भेदभावकारी है। इसलिए हम इस तरह की तमाम चीजों के ऊपर गहरे सवाल खड़ा करना चाहते हैं। यह नियुक्ति प्रक्रिया बेहद कम मेरिट वाले लोगों को, मिसाल के तौर पर मैंने बाद में यह कहना शुरू किया कि मेरी मेरिट में एपीआई स्कोर 96 है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका 98 होगा, 100 होगा, उनको निकाल करके 50 API 52 API वाले किसी अपने प्रोफेसर के रिश्तेदार को, किसी पार्टी के कैडर को ये दिल्ली विश्वविद्यालय में अगर नौकरी दी जा रही है तो इसके 2 सवाल हैं कि अगर नौकरी दी जाती है तो वो हमारी मेरिट चेक कर दी जाती है या हमारी विचारधारा देख कर दी जाती है। हम इस देश के नागरिकों की तरफ से ये सवाल देश की सरकार से पूछना चाहते हैं।
और दूसरी बात, अगर मेरिट देख करके नौकरी दी जा रही है तो वो जो कम मेरिट के लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर आप यूनिवर्सिटीज में बना रहे हैं, आप लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में ढकेल रहे हैं। और अभी हमारी साथी एकेडमिक काउंसिल के मेंबर माया जी ने बताया भी, बच्चे लिख करके कंप्लेन कर रहे हैं कि इस टीचर को पढ़ाने नहीं आता, क्योंकि मेरी जगह भी जिन्हें नौकरी दी गई उन्हें स्कूल से ला करके वहां रख दिया गया। तो वो किसके लिए विश्वविद्यालय बर्बाद किए जा रहे हैं, जो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। और उसके बाद हमने ये सवाल उठाया कि तमाम तरह के भेदभाव किए जा रहे हैं, पाठ्यक्रम बदले जा रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं कि स्वयं ऐप के बाद हेफा बनेगा, लोन लेकर के आप पढ़ाई करेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा है तो पढ़ाई कर सकते हैं। बाजार में बिकने वाले सिलेबस बनाए जा रहे हैं, एक विचारधारा के आधार पर वो सारी चीजें की जा रही है। इसलिए हम इस मांग को उठाना चाहते हैं। 90 के बाद ये आखिरी बात कहूंगा, चूंकि बाकी बहुत सारे लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे बीच में हैं, विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग हैं, बहुत ज्यादा बातें न कह करके आखिरी बात, पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रही है। और अगर हम शिक्षा व्यवस्था के लाभ लेने वाले लोग आज उचित समय पर देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं बताए कि आपके विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर, उसको जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको मेरिट के नाम पर उसको बाहर किया जा रहा है, भ्रष्टाचार से शिकार लोगों को वहां पर नौकरी दी जा रही है, तमाम तरह के कम मेरिट वाले लोगों को प्रोफेसर बनाया जा रहा है, और ये पूरा का पूरा विश्वविद्यालय जिसमें 90 के बाद पहली बार तो देश के वंचित शोषित बच्चे विश्वविद्यालय की दहलीज तक पहुंचे, पहली बार वो व्यवस्थित तौर पर प्रोफेसर बनने वाले हैं, तो झंडे वाला अंश से जो मेरिट आ रही है वो इस विश्वविद्यालय को कहां छोड़ेगी। और हम ये आरोप लगाना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि क्यों ना इंटरव्यू बोर्ड में जो लोग बैठ रहे हैं उनके फोन कॉल की रिकॉर्डिंग चेक की जाए। पहले इंटरव्यू बोर्ड के पहले उसके पास किसका फोन आता है, इंटरव्यू जब ले रहे होते हैं तब किसका फोन आता है, इंटरव्यू के बाद उनके पास किसका फोन आता है, कौन तय करता है जो चार लोग किसी और की वजह से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए, कुलपति बन गए, प्रिंसिपल बन गए, अगर वो किसी शाखा के सदस्य होकर के भी प्रोफेसर और प्रिंसिपल बन सकते हैं तो उनकी विचारधारा से अलग राय रखने वाला भी उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर क्यों नहीं बन सकता। और अगर ये सवाल पूरे देश का सवाल नहीं बन पाया कि विश्वविद्यालय का मतलब ही वैश्विक ज्ञान के केंद्र, और यहां पर तो ग्लोबल नॉलेज की बात की जाती है, और उन विश्वविद्यालयों को एक विचारधारा और एक सरकार में अगर महदूद कर दिया, तो 90 के बाद जो ये पहली पीढ़ी के वंचित शोषित गरीब कमजोर के बच्चे विश्वविद्यालयों की खेत खलिहान से निकलकर मजदूरी किसानी से कर यहां तक पहुंचे हैं, अब उनके लिए एक बर्बाद विश्वविद्यालय खंडहर बन के इंतजार करेंगे। अगर आपकी जेब में पैसा है तब इसको आप पढ़ सकेंगे। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि अगर इस देश के नागरिक हमारी बातों से सहमत होते हैं और शिक्षा और स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय की बर्बादी को देख पा रहे हैं, तो आज से हम शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ मुहिम जैसा तमाम सवालों को एक करके देश भर की शिक्षा व्यवस्था पर एक देश को जागरूक करना चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालयों को बचाइए जिन्होंने हम जैसे लोगों को तैयार किया है। हमने विश्वविद्यालय में पढ़ करके यहां तक पहुंचने का सफर तय किया, लेकिन अब यह सीढ़ी तोड़ी जा रही है जिस पर चढ़ करके हम यहां आए, इसलिए हमारा फर्ज है कि उस तोड़ी जा रही सीढ़ी के खिलाफ बोलें और यह आवाज उठाएं। और हम चाहते हैं कि इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस देश में इस पर विचार हो कि आगे का सफर कैसे तय करना है। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत